आरबीआई असिस्टेंट 2022 का कट ऑफ आप सभी का क्या रहा था, क्योंकि 2023 का जो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला। अब यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो आपके फॉर्म्स होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं जितने भी हिंदी आपके जो रीजन, हिंदी लैंग्वेज वाले जो रीजन है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ज्यादा होते हैं। और जितने भी आपके अदर जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पर आपकी जो वैकेंसी रहती है वो कहीं ना कहीं आपकी उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने लोग होते हैं उसी उसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, क्योंकि यहां पर जो आपका पेपर होता है उतना ज्यादा टफ नहीं आता है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत ज्यादा प्रीलिम्स की जाती है एज कंपेयर टू मेंस। अगर हम बात कर ले लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो आपकी कम गई थी 2022 के एज कंपेयर टू 2019, ठीक है, क्योंकि 2019 में जो आपकी कट ऑफ थी वो आपकी प्रीलिम्स की काफी ज्यादा गई हुई थी। लेकिन अगर हम बात कर लें कि आपकी जो कट ऑफ हिंदी वाली स्टेट में सबसे कम आपकी किस रीजन में आपकी गई हुई थी, तो वो रीजन है आपका पटना। अब आप देख रहे होंगे कि यार सबसे ज्यादा लास्ट ईयर वैकेंसी जो थी वो कानपुर और लखनऊ में थी, 131 सबसे ज्यादा जो थी सब में मिला के, और यहाँ पे पटना में तो 33 थी, कट ऑफ भी सबसे कम गई। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि जिस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है उसी स्टेट में हम फॉर्म भरें, क्योंकि एक्चुअल जो देखा अभी तक है, इवन ESIC का भी, ESIC UDT स्टेनो MTS का जो फॉर्म आया था उसमें भी यही देखा गया था। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और जहां कम होती वहां पे कम अप्लाई करते, जिसके कारण से आपकी जो कट ऑफ है वो कम वैकेंसी वाले रीजन पे आपकी कम जाती है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपकी 33 वैकेंसी होने के बावजूद पटना की 89 कट ऑफ गई थी, जो कि बाकी अदर जो हिंदी वाले आपके रीजन है, आपका हो गया सबसे पहला कानपुर और लखनऊ, दूसरा आपका हो गया चंडीगढ़, तीसरा आपका हो गया भोपाल, उसके बाद चौथा आपका हो गया न्यू दिल्ली। सबसे कम जो कट ऑफ थी वो पटना की थी, हालांकि डिफरेंस आपका तो 0.25 का था। ऐसे देखोगे बहुत से ऐसे आपके रीजन मिलेंगे जहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है, लेकिन अगर ये मार्जिन भी अगर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को बाहर निकाल देता है, तो ऐसे में ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि आप उस स्टेट से ही फॉर्म भरो जिस स्टेट में उस पर्टिकुलर वैकेंसी जो है उस पर्टिकुलर रीजन में वो आपकी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे कट ऑफ में आपको बता देता हूँ कि RBI अहमदाबाद का कट ऑफ था आपका, RBI अहमदाबाद का आपका कट ऑफ था, ठीक है, 87.25, बेंगलोर का भी आपका 82.75 था, भोपाल का आपका 89.5 था, भुवनेश्वर का 90.50 था, चंडीगढ़ का 90.75 था, चेन्नई का 87.75 था, गुवाहाटी का 86, हैदराबाद 90.25, जयपुर 89.25, जम्मू कश्मीर 85.5, कानपुर और लखनऊ 89.25, कोलकाता 90.75, मुंबई 85.25, नागपुर 87, न्यू दिल्ली 89.25, पटना 89, तिरुवनंतपुरम कोच्चि 86.25। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, सबसे जो कम कट ऑफ गई हुई है वो आपकी गई हुई है बेंगलोर की। बेंगलोर की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 82.75 अभी तक में, जिस हिसाब से लास्ट ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ उसमें आप सभी की गई हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो आपकी किसने गई हुई है, वो आपकी गई हुई है चंडीगढ़ रीजन में, जो कि आपका 90.75 आप सभी की गई हुई है। तो ऐसे में आप सभी देख सकते हो और जिस हिसाब से कट ऑफ गई हुई है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जरूरी ये भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अब जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कम जो वैकेंसी वाले स्टेट्स होते हैं वहाँ पे कम फॉर्म जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कम वैकेंसी वाले स्टेट पे आपका जो फॉर्म है वो आपके ज़्यादा पड़े आते हैं और ज़्यादा वाले पे कम, ठीक है। अब जो जिस हिसाब से अभी सिनेरियो देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मार्क्स का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं रहता है, आपका 0.75 भी आपका रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका फाइनल मेंस में सेलेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रहता है, तो आपको स्कोर तो प्रीलिम्स में तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मेंस में भी आपको कहने की आपको अच्छे से करना।